नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इम्पोर्टेंस है, लोग सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व दे रहे हैं, तो वो है पैसे। बराबर इस कलयुग में आपने देखा होगा, बिल्कुल मूर्ख, मंदबुद्धि, गंवार लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा है। पैसे और पावर के मद में आकर के तरह तरह के गंदे काम करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये होता है राहु का प्रभाव। कई बार ऐसा होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, तब वो किसी अघोरी के पास जाएगा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, किसी देवी देवता की पूजा करेगा और उससे वो कुछ वरदान प्राप्त कर लेता है। आपने पहले भी देखा होगा, असुर क्या करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी भोले भाले देव, उनसे आशीर्वाद ले लेते थे। जब इनके घर में धन भर जाता है, पावर आ जाता है, फिर ये अत्याचार शुरू करते हैं, है ना? और आज के जमाने में भी ऐसे लोग पड़े हैं। तो कई बार इनकी इस टाइप से की गई पूजाएं, कई बार ऐसे लोगों से ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे अघोरी है, कोई सिद्ध पुरुष है, और उनके पास से अमुक चीजें ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये अंदर से शुद्ध और साफ नहीं होते, इसकी वजह से ये गलत काम करते दिखाई देते हैं, अत्याचार करते दिखाई देते हैं, परिवार के परिवार बर्बाद कर देते हैं, अच्छे अच्छे जिसको बोलते हैं ना, घर परिवार को ये लोग वीरान बना देते हैं। तो ये होती है राहु की शक्ति। कई बार इनके वरदान काम करते हैं, कई बार राहु से जुड़े हुए कर्म इनके लाइफ में होते हैं, राहु से जुड़े हुए उपाय जाने अनजाने ये लोग कर रहे होते हैं। जैसे किसी अघोरी को दारू देना, दारू चढ़ाना, भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको दारू का भोग लगाने, खुद भी दारू का सेवन करना, दूसरों को करवाना, मांस मदिरा का वितरण करना। देखते रहते आपको ये चीज खराब दिखेगी, लेकिन इससे इनके राहु मजबूत बन जाते हैं। जब राहु मजबूत बनते हैं तो व्यक्ति के पास अतिशय संपत्ति आती है। तो ऐसे में आप एक उपाय जरूर करें, यदि आप भी चाहते हैं आपके राहु मजबूत बने, आपके पास भी संपत्ति आए, नाम आए, आपका नाम रोशन हो। पहले तो बिल्कुल साधारण में आपको उपाय बताऊं, बुधवार के दिन, हर बुधवार आप एक पुड़िया में जीरा ले लें। जीरा दोस्तों राहु से जुड़ा हुआ है। कई एक ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे ग्रहों से जुड़ी हैं। जीरा आपको लेना है, ओम रम राहवे नमः मंत्र इसको 108 बार बोलकर उस जीरे को अभिमंत्रित कर लेना है। सुबह ही आपको जब आप इस क्रिया को करते हैं, आपका मुंह नैऋत्य कोने में रखें, नैऋत्य दिशा में रखें आपके अपने घर में, और फिर इसकी पुड़िया बनाएं। कागज आप कोशिश करें ब्लू कलर का लें, उसमें आप जीरे को रखें। पूरा दिन ये जीरा आप अपनी जेब में रखें और रात को सोने से पहले इस जीरे को आप अपने घर के नैऋत्य कोने में ही कोयले के ऊपर रख करके जला दें। पहले कोयला रखें, कोयले को जलाएं, कोयले से जब आग उत्पन्न हो तो उस आग को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब उसमें से धुआं निकलने लग जाए, बिल्कुल लाल दिखाई दे, तब आप उसके ऊपर इसको डाल करके जला दें। इस कोने में कोयला जलाने से आपके राहु केतु मजबूत बनते हैं। इस कोने में धुआं करने से राहु केतु मजबूत बनते हैं। और इसी कोने में यदि आप इस चीज को जला देते हैं तो भी दोस्तों आपको राहु का केतु का जबरदस्त साथ मिलता है, सहकार मिलता है। और कलयुग में इस चीज का सहकार मिलने का मतलब है धन ही धन आना, धन का ढेर लगा देती है ये चीज। दूसरा, रविवार का दिन हो तो आप दारू की छोटी सी बोतल लें। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उन्हें आप दारू का वितरण कर दें, या फिर आप चौराहे में ओम नमो भैरवाय नमः इस मंत्र को 21 बार बोलें और दारू आप चौराहे में जाकर के रख दें, या फिर जहां बिल्कुल निर्जन स्थान में काल भैरव का मंदिर बना हो वहां जाकर के आप कच्ची दारू
रख करके आ जाएं। चार रविवार आप इस क्रिया को करें, आपके घर में धन आने लग जाएगा। नेगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में है तो वो दूर हो जाएगी। रविवार के दिन 10-11 साल के जो बच्चे हों उन्हें भुने हुए चने खिलाना शुरू कर दें। इस क्रिया से भी आपके घर में धन आता है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर जाती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को जरूर करें। जीरे वाला जो उपाय करना है आपको बुधवार के दिन करना है। वैसे इस उपाय को भी आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार और रविवार के दिन भी कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा ही आता है। करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। जय श्री कृष्ण।